अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राबिया एंड यू आर वाचिंग चिल्तन लाइफ। आज की हमारी वीडियो चिल्तन प्योर के एलोवेरा ऑयल के बारे में है, जो कि हमारी स्किन और हमारे हेयर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियल। एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि इसके अंदर इनक्रेडिबल अनकाउंटेबल बेनिफिट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये मिनरल्स और विटामिंस का पावर हाउस है। इसके अंदर बहुत पावरफुल मिनरल्स और विटामिंस ऐड हैं, इसीलिए इसको इतना यूनिक इंग्रेडिएंट माना जाता है कि ये आपकी हर होम रेमेडी में, चाहे वो आपकी स्किन केयर की होम रेमेडी है या आपकी हेयर केयर की रेमेडी है, ये उसके अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपके कॉस्मेटिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एलोवेरा को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जा रहा होता है। आपकी नाइट क्रीम्स होती हैं एलोवेरा से बनी हुई, लोशन, सीरम्स वगैरह एलोवेरा से बने हुए, ये जितने भी स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनको इफेक्टिव समझा जाता है। तो आज के वीडियो में हम चिल्तन प्योर के एलोवेरा ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल चिल्तन लाइफ को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चिल्तन प्योर के एलोवेरा ऑयल की एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही, साथ ही साथ इसके रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करती हूँ तो इसका टेक्सचर इतना लाइट वेट है, बिल्कुल नॉन स्टिकी, नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी है। क्योंकि समर में हम ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट हो, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको इस्तेमाल करें तो हमें पता भी ना चले कि हमने अपने फेस के ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ, यानी कि किसी किस्म की कोई चिपचिपाहट ना हो, हमें स्वेटिंग वगैरह ना हो ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने से, और साथ ही साथ हमें 100% रिजल्ट्स भी मिलें जो कि हम चाहते हैं। तो अगर आप इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करते हैं, रात को सोने से पहले आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके सोते हैं, या आप इस ऑयल से मसाज करते हैं अपने फेस का, मैं तो इसको एज अ मसाज ऑयल के तौर पर यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर भी करूँगी। तो अगर आप इसको किसी भी तरीके से अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड करके रखते हैं ना, ये क्या करता है कि हमारी जो कोलेजन की प्रोडक्शन है उसको स्टिम्युलेट करता है, और हमारे स्किन का जो डैमेज होता है ये उसको डे बाय डे रिपेयर करने में हेल्प करता है। हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त हेल्दी वाला ग्लो लेके आता है, और स्किन बहुत ज़्यादा आपकी रिजुविनेट लगती है, आपकी स्किन रिंकल फ्री होती है, स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स नहीं होते, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, इसीलिए ये आपके डार्क स्पॉट्स को भी डे बाय डे फेड करने में हेल्प करता है। एलोवेरा ऑयल आपके स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा, और आपके ड्राई स्किन के प्रॉब्लम्स को भी ये हील करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होगा। अब अगर हेयर के लिए इसको इसकी बात की जाए तो आप इसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक, आप इसको एज आ ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम शावर लेने से पहले ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप इसको बिल्कुल वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर दो, आप इसको एज आ हेयर सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब हम शैम्पू कंडीशनर कर लेते हैं उसके बाद हमारे बालों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है आपने उसको स्क्वीज़ कर लेना है, और आपने वेट हेयर में ही इसके फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो आपने लेके और आपने अपनी मिड लेंथ से एंड्स तक आपने इसको अप्लाई करना है, तो तब भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरे बालों को देखें तो आपको बालों में शाइन नज़र आ रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत सॉफ्टनेस आपको नज़र आ रही होगी मेरे बालों में। तो पहले मैंने इसको एज अ ऑयल इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने शैम्पू कंडीशनर किया, एंड देन मैंने इसी ऑयल को एज अ सीरम इस्तेमाल किया। मैंने किसी किस्म का कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया हुआ यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मेरे कमरे में कोई लाइट नहीं चल रही जो आपको लगेगा कि कोई आर्टिफिशियल लाइट है जिसकी वजह से मेरे बाल जो हैं वो शाइन करें। बहुत ही ज़्यादा ये देखें नेचुरली सॉफ्ट हुए में इसको इस्तेमाल करने के बाद, तो इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन हैं। चिल्तन प्योर एलोवेरा ऑयल के बेनिफिट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अब इसकी एप्लीकेशन और इसके रिजल्ट्स देखते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
flying through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. तो गाइज अगर आप इस अमेजिंग ऑयल को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। यही थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।